हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कॉल रिकॉर्डिंग को हम कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है, किसी को आप कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इनेबल हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, तो उसको हम कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं इसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डायल पैड पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। डायल पैड पर जाने के बाद कोई भी नंबर आप डायल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी कॉल रिकॉर्डिंग है वो इनेबल है, यानी कि ऑन हो रखी है। तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑफ़ कर देना होगा। ऑफ़ करते ही आपकी ये डीएक्टिवेट हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं डीएक्टिवेट हो गई है। और जैसे ही आपकी कॉल कट हो जाएगी तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी कॉल रिकॉर्डिंग को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।